मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था लंबे समय से लागू है, लेकिन इन अतिथि शिक्षकों को अब तक ना तो नियमित किया गया है और ना ही इन्हें शिक्षक का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर कुछ घोषणाएं कर वादा किया गया था, लेकिन एक भी घोषणा को अमली जामा अब तक नहीं पहनाया जा सका है और बहुत कम तनख्वाह पर बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनाने वाले इन अतिथि शिक्षकों का वर्तमान सुरक्षित नहीं दिखता है। बीते 4 महीनों से अतिथि शिक्षकों को मानदेय तक सरकार नहीं दे पाई, ये बात सामने आ रही है। ऐसे में अब तक अतिथि शिक्षकों को घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। कई अतिथि शिक्षक पढ़ाने के अलावा अपने परिवार के भरण पोषण की खातिर मजदूरी तक करने को विवश हैं। ऐसे में अब अपनी पुरानी मांगों के साथ 2 सितंबर को की गई घोषणा को पूरा करने के साथ 4 माह से बकाया वेतन देने की मांग की गई है। क्या मांगे आपकी आज? हमें 5 महीने से वेतन ही नहीं मिला है, वो वेतन हमारा दीजिए ना, हम कैसे हमारा जो है वो चलाए। मामा बड़ी बड़ी बातें करते थे हमारे लाडली पे, ना क्या गई लाडली? हाँ, लेकिन कहाँ गया उन्हें, अब नहीं दिख रहा है कि जो महिला है वो अपना कैसा का? इसके अलावा सभी भाई बहन कैसे हमारा जो है वो चलाए, हम काफी हमें दिक्कत आती है। क्या मांग रखी आपने यार? हमें पहले हमारा 5 महीने का वेतन दीजिए। अगर वेतन नहीं मिलता तो क्या लाडली बिना क्या करेगी? हम 13 तारीख को भाइयों के साथ रतलाम जाएंगे और वहाँ पे ये करेंगे, हमारी मांगे रखेंगे। ऐसा ही 5 महीने तक चलता रहा, अगर ऐसा ही चलता रहेगा आगे भी क्या करेंगे? हम भोपाल जाएंगे, अपनी मांगे वहाँ जाकर रखेंगे हम। शुभ नाम आपका? रीना प्रजापत। तो क्या मांगे आज? हमारी मांग ये कि तो हमारे को 4 माह से वेतन नहीं मिला है, दूसरा ये कि महापंचायत हुई थी 2 सितंबर को, उसके आदेश आज तक नहीं हुए हैं और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर की नीति के तहत उनको हटा दिया गया है। आज हम लोगों का जिला तहसील स्तर कार्यक्रम है ये, और 13 तारीख को हमारा जिला मुख्यालय कार्यक्रम रहेगा। हमारी एक ही मांग है कि जो महापंचायत में जो घोषणाएं हुई है, कहते हैं मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी कहाँ गई है? मोदी जी द्वारा महापंचायत का आदेश मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया था, उसमें महापंचायत हुई थी, महापंचायत में वो सभी आदेश के लिए बोला गया था कि आदेश तुरंत हो जाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी आदेश नहीं हुआ है, जबकि बड़े मानदेय का आदेश भी नहीं हुआ है अभी तक, और 4 माह से तो वेतन मिला ही नहीं है किसी को भी। घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 12 माह का सेवाकाल था हमारा, और हर वर्ग के लिए, जैसे पहले हमारे को 9,000 मिलता था तो 18,000 किया था, 7 वाले का 14 किया था, 5 वाले का 10 किया था, उसके भी कोई आदेश नहीं हुए अभी तक। अभी क्या मांग रही है? अभी हमारी एक ही मांग है केवल कि हमारे को सबसे पहले तो वेतन दिया जाए, जिससे हमारे लोगों की जो आजीविका है वो आगे चल सके, क्योंकि सभी लोग परेशान है। 4 माह से अगर वेतन नहीं मिलता है किसी को तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्या मांग रखी आपने? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले हमारा वेतन करवाया जाए जितनी जल्दी हो सके, और महापंचायत की जितनी भी घोषणाएं है हमारी उनको अतिशीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि अभी आचार संहिता लगने वाली, आचार संहिता के बाद फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर वेतन नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम लोग 13 तारीख को जिला मुख्यालय रहेगा हमारा, उसके बाद नहीं तो फिर भोपाल पहुंचेंगे हम लोग सब। ये जो वेतन पूरे मध्य प्रदेश में बंद है या पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं मिला है? महापंचायत का आदेश पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं हुआ है अभी तक। शुभनामा। मेरा नाम कृष्ण कन्हैया सिंह, रतलाम जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। 3 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है, उसके संबंध में दिया। कोई चार्जशीट दाखिल करी उन्होंने कि किस कारण से नहीं मिल रहा, क्या है? शासन से उनका पैसा नहीं आ रहा, इसलिए उनको नहीं मिल पा रहा है। मैम जावरा में, जावरा से जीपी मालानी की रिपोर्ट।